फॉक्स 9 न्यूज नेशन और मैं हूं आपके साथ नेहा। लखनऊ में बीजेपी द्वारा आयोजित सामाजिक प्रतिनिधि सम्मेलन में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आरोप लगाते हुए कहा कि समाजवादी पार्टी के लिए उनका खानदान ही परिवार था। पहले 2-3 जिलों में ही बिजली आती थी। उन्होंने कहा कि उन्होंने राजनीतिक लाभ के लिए समाज को बांटा, उनको समाज ने इतिहास के गर्त में डाला है। योगी ने कहा कि कल हम कुशीनगर में थे, पीएम नरेंद्र मोदी ने 1.5 लाख से अधिक की भीड़ को संबोधित किया, सब में उत्साह था। लेकिन पहले एक परिवार में उत्साह होता था कि किसको कितना लूट रहे हैं। पहले बिजली 1-2 जिलों के लिए बंधक बना दी गई थी, आज सबको बिजली सबको मिल गई है। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी के लिए 130 करोड़ जनता परिवार है और हमारे लिए 24 करोड़ जनता परिवार है, लेकिन सपा के लिए सिर्फ अपना परिवार था। सीएम योगी ने कहा कि मोदी राज में कोई खुद को उपेक्षित महसूस न करे, मोदी है तो मुमकिन है, मैं विश्वास रखें। पहले चीन पाकिस्तान घुसपैठ करता था तो सरकारें कहती थी कि कुछ मत बोलो, संबंध खराब हो जाएंगे। वो संबंधों के लिए देश को दांव पर लगाते थे, लेकिन आज ऐसे में सर्जिकल स्ट्राइक से जवाब दिया जाता है। योगी ने आरोप लगाया कि सपा कांग्रेस बसपा किसी की सरकार रही, गरीब को त्रस्त आम आदमी को परेशान किया जाता था, माफियाओं से संपत्ति पर कब्जा करवाया जाता था, प्रशासन को उनके सामने गिरवी रखा जाता था। दुर्भाग्य से कांग्रेस के समय महामारी आती तो भाई बहन इटली भाग गए होते। उन्होंने कहा कि सपा के समय आई होती तो चाचा भतीजे में होड़ लग गई होती, कौन कितना ज्यादा हड़प ले, किस माफियाओं को ठेका दिलवा दे, बहन जी के समय तो भगवान ही मालिक होता। ऐसी और खबरों के लिए देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज नेशन। धन्यवाद।